अश्लील वीडियोस केस में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा जहां अपनी जमानत की राह देख रहे हैं, वहीं अब उनके खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर इस केस को और पेचीदा बना दिया है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने कोर्ट में 1500 पन्नों की जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें कुल 43 गवाह बताए गए हैं, जिनमें कई जाने माने नाम भी शामिल है। चार्जशीट में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया है। राज कुंद्रा अश्लील वीडियोस केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 26 जुलाई को शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया था। आज तक के पास शिल्पा शेट्टी के पुलिस को दिए बयान की डिटेल मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा ने अपने बयान में बताया था कि वो एप्लीकेशन बॉलीफेम के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, मैं अपने काम में बिजी थी और मैं अपने पति से ये नहीं पूछती कि वो क्या करते हैं। वो मुझे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताते थे। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तमाम मुश्किलों के बीच 15 सितंबर को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंची शिल्पा शेट्टी। वहां उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि वो दर्शन कर बेहद खुश हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, बहुत दिनों बाद बुलावा आया है। तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान की याचिका पर जवाब मांगा गया है। रिपोर्टेडली केआरके ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की अपील की है, जिसमें उन पर सलमान, उनकी फिल्मों या कंपनी पर किसी भी तरह का बयान देने पर रोक लगाई गई थी। अपील में केआरके का कहना है कि एक फिल्म व्यूअर को फिल्म और उनके किरदारों पर कमेंट करने से रोका नहीं जा सकता। इस मामले में 16 सितंबर को जस्टिस A.S. गडकरी की बेंच ने सलमान खान, उनकी प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान वेंचर्स और कई मीडिएटर्स को नोटिस भेजा है, जिसके जरिए उनसे केआरके की याचिका पर जवाब मांगा गया है। कू ऐप पर कंगना रनौत के फॉलोअर्स 1 मिलियन पार। कंगना ने इस साल फरवरी में कू ऐप ज्वाइन किया था। बताया जा रहा है कि इस ऐप में उनके फैंस पिछले 3 महीनों में लगभग दुगने हो गए हैं, जिससे वो यहाँ पर ये फिगर अचीव करने वाली एकमात्र महिला सेलिब्रिटी बन गई। दिवंगत दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन के बाद अब सायरा बानू ने उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला कर लिया है। दिलीप कुमार के फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी ने इस बारे में ट्वीट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि काफी चर्चा और विचार विमर्श के बाद और सायरा बानू जी की सहमति से मैंने प्यारे दिलीप कुमार साहब के इस ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। आपके निरंतर प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। सोनू सूद के घर और ऑफिस में आईटी डिपार्टमेंट के सर्वे के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। सैफ और करीना अपने दोनों बच्चों के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। करीना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस वेकेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं। समझ आ रहा है कि करीना बीच वेकेशन एंजॉय कर रही है। आपको बता दें कि करीना कपूर खान का 21 सितंबर को जन्मदिन है। पत्नी नताशा दलाल के साथ छुट्टियां मनाने रवाना हुए वरुण धवन। मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों हुए स्पॉट। यहां वरुण ने CISF ऑफिसर के साथ सिक्योरिटी चेक में कोऑपरेट किया। आइडेंटिटी चेक के बाद वरुण ने CISF अफसर को सैल्यूट भी किया। अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी और आदर्श गौरव की दोस्ती करेगी धमाल। खो गए हम कहां का शानदार टीजर रिलीज। आज फरहान अख्तर ने उनकी इसी नई फिल्म की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की है। ये तीनों स्टार्स पहली बार किसी फिल्म में एक साथ काम करते दिखाई देंगे।